वहीं हिंसा उन्माद की राजनीति करती है। बीजेपी का ये कहना बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव का, लखनऊ पहुंचे सांसद ने मौजूदा समय की राजनीति पर लाइव टुडे की खास बातचीत में क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं जरा। कई ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है बिहार से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव टुडे में हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले एक चीज जानना चाहेंगे, आज के कौन से मुद्दे हैं जो पप्पू यादव को सोचने पर मजबूर करते हैं कि पूरे देश के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर रहा है? आम आदमी, वो आरक्षण है, वो रोजगार है। ये लोग अपनी दुकान जब बंद होता है राजनीतिक लोग तो आरक्षण आरक्षण खेलने लगते हैं। अब तो केंद्र और बिहार यूपी सभी जगह आप हो, जो मन में है करो ना। जनसंख्या के आधार पर आप ले आओ, जिसकी जितनी जनसंख्या उसको आर्थिक आधार पर आप आरक्षण कर दो, बांट दो, सब खुश होंगे। दुकान बंद हो जाएगी नेताओं की। क्यों कभी कहते हो प्रमोशन में, कभी कहता है कोई माइकल लाल, कभी कहता है निजी क्षेत्रों में, क्यों आरक्षण आरक्षण के नाम पर पॉलिटिक्स करते हो? ये बात आप सदन में उठाएंगे? सदन में पहले भी उठा चुका हूं, इस बार भी उठाऊंगा। क्या रिजल्ट आएगा भैया? रिजल्ट सबको पता है, ढाक के तीन पद, वहां कोई रिजल्ट नहीं आता। वहां जो पूंजीपति चाहता है वही रिजल्ट आता है, उद्योगपति चाहता है वही रिजल्ट आता है। वहां कोई समाज के हित में, आम आदमी के हित में वहां कोई रिजल्ट नहीं होना है। वहां वोट और सत्ता के हित में रिजल्ट होती है। जैसा वोट जैसा सत्ता वैसा रिजल्ट। अब वो यूपी को देख लो, अब गंगा कहां गायब है? बिहार से लेके उत्तराखंड आप ही का है, साफ कर लो ना। मैं तो जानता हूं साफ नहीं होगा कभी। हजारों करोड़ पूरा देश राष्ट्रपति से लेके कुछ नहीं होना चला गया सबके घर में, बंटवारा हो गया सबके घर में, घरे घर से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट भैया। घरे घर चला गया पैसा, ये तो सब पर हम कुनो एक पर नहीं थोड़ी लगा रहे हैं, तो करिए ना। मेरा तो आरोप है 2019-20 तक गंगा में कुछ नहीं होना। अब केंद्र से राष्ट्रपति से लेके हम तो चाहेंगे कि समाज के हर वर्ग के लोग बैठ के, सिविल सोसाइटी का पर लोग बैठ के मस्जिद और मंदिर का मुद्दा सुलटा है। ये हमेशा उन्माद करते रहते हैं, जब भी चुनाव आता है ये एक्सेसिबल हो जाते हैं तब खेल खेलता है, सब इस्तेमाल करता है। करते तो अभी सब जगह ये लोग हैं, आरक्षण पर जो निर्णय लेना हो एक बार ले लो, जिसकी जितनी जनसंख्या आर्थिक रूप से उसको आरक्षण कर दो। केंद्र में भी सब जगह है, क्यों आरक्षण आरक्षण का गंदा खेल खेल रहे हो? क्यों उन्माद फैलाते हो आरक्षण पर? जनसंख्या की जनगणना हो गई उसको आउट करो, और जिस गरीब दलित कमजोरों की जितनी जनसंख्या उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण बांट दो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, हम इसके पक्ष में हैं। तो ये हमारे साथ थे पप्पू यादव जी, जिन्होंने ज्वलंत मुद्दों पर बताया और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखते हुए कहा कि सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक अब आपके संगठन का व्यक्ति खड़ा है तो क्यों नहीं सुधार होता? वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पांडे के साथ अभिषेक मिश्रा, लाइव टुडे, लखनऊ।